अच्छा किसी आप सब नमस्ते भाई, हम तो समझते हैं। अभी के टाइम पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 6th एनिवर्सरी के बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप लोग इन इवेंट्स के अंदर से इन इवेंट्स को कंप्लीट करके फ्री में इलेट डायलॉग का पूरा बंडल, बाइक का स्किन, सब कुछ यहाँ पर से आप लोग फ्री में कैसे ले पाओगे, ये सब चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गो टू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इवेंट इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जहाँ के ऊपर लिखा हुआ है सर्वर प्रोग्रेस 0%। ये सर्वर क्या होता है और ये प्रोग्रेस 100% कैसे होगा, और 100% नहीं भी होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, सर्वर प्रोग्रेस अगर 100% होता है तभी जाकर के यहाँ पे 6th एनिवर्सरी का पूरा इवेंट लॉन्च हो जाएगा। जो चीज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, 6th एनिवर्सरी इवेंट तभी लॉन्च होगा जब ये सर्वर प्रोग्रेस 100% कंप्लीट हो जाएगा। और ये सिर्फ आप ही लोग नहीं करोगे, इंडियन सर्वर के अंदर जितने भी सारे प्लेयर्स हैं सभी लोग मिलके ये सर्वर प्रोग्रेस को 100% तक लेके जाएंगे। तो सर्वर प्रोग्रेस करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसे आप लोग अपना योगदान दे पाओगे, आप लोगों को एक स्पेशल टाइप का टोकन लाना पड़ेगा। वो टोकन को जब आप लोग इंसर्ट करोगे सर्वर प्रोग्रेस होता रहेगा, ठीक है। टोकन का नाम है गाइस कलर चिप्स, इसको आप लोग यहाँ पर से आकर के इंसर्ट कर पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कलर चिप अगर आपके पास हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को एक ऐसा क्रेट बिल्कुल ही फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये क्रेट का काम क्या है, मान लीजिए आपके पास 5 कलर चिप हो गए और आप लोगों ने एक बॉक्स इधर से क्लेम कर लिया, ठीक है। तो उस बॉक्स के अंदर से ना रैंडमली आप लोगों को कुछ भी देखने के लिए मिल सकते हैं इन सभी रिवार्ड्स के अंदर से। मतलब ये फीमेल बंडल भी आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जो चिप आप लोग कलेक्ट करोगे ना वो बहुत ज्यादा नंबर्स में होगा, 100-200 ऐसे करके, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग को 20-25 ऐसे करके ये बॉक्सेस दिखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके अंदर से रैंडमली आप लोग को एक बंडल तो क्लेम हो जाएगा, वो भी बड़े आराम से, ठीक है। बात कर ले आलोक को कैसे आप लोग अवेकन कर पाओगे, पूरा एलीट आलोक का बंडल आप लोग कैसे ले पाओगे, दोस्तों वो सारे चीजें आप लोग का ये 100% सर्वर प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा। मैं भी आपको और एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ यही मिशन मिला है, तो इन्हीं मिशन को कंप्लीट करके हम लोग 100% पहले करना पड़ेगा सर्वर प्रोग्रेस। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, ये जो कलर चिप टोकन राज भाई ने हमें बताया, ये हम लोगों को कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप लोग नॉर्मल बियर खेलोगे ना, बियर के अंदर से आप लोगों को मिलेंगे ऐसे तरह तरह के अलग अलग क्यूब्स। कुछ क्यूब्स गेम के अंदर होंगे और कुछ क्यूब्स आप लोगों को लॉबी के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, जिनके अंदर से आप लोग ये कलर चिप्स को ले सकते हो। या फिर आफ्टर मैच, जो कि सिर्फ बियर रैंक या फिर सीएस रैंक के बाद आप लोगों को मिलेगा। मतलब एक मैच आप लोगों ने कंप्लीट खेल लिया, चाहे सीएस रैंक हो गया, बियर रैंक हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बाद कुछ चिप टोकन आप लोग को फ्री में मिल जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। इसके अलावा बीआर क्वेस्ट करके आप लोग को एक मिशन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब बैटल रॉयल जैसे आप लोग खेलते जाओगे आप लोग को मैप के अंदर ये कुछ इस तरीके का चीज पड़ा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर से आप लोग स्पेशल टाइप का क्यूब को ले पाओगे, जिसका नाम होने वाला स्पिरिट कंपेनियन। इन सबके अलावा ये तो हो गया 6th एनिवर्सरी का पूरा इवेंट इंटरफेस जो अभी तक आया है। इन सबके अलावा यहाँ पे आप लोग को स्टेट वार्स का भी आज बड़ा दिन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इधर से आप लोग को बहुत सारे रिवार्ड्स फ्री में मिलेंगे। मेरे यहाँ पे 30 पॉइंट्स तक यहाँ पे क्लेम नहीं करा था, ठीक है, रजिस्टर ही नहीं करा था मैंने, इसलिए शायद से मैं यहाँ पे लॉक दिखा रहा है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कि क्या आप लोगों को इधर से कोई भी बंडल या फिर कोई भी टी शर्ट वगैरह फ्री में देखने के लिए मिल चुका है या फिर अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। क्या है सीन आप लोगों के साथ, कमेंट करके जरूर बता। मैंने तो ये रजिस्टर ही नहीं किया था तो मैं क्या ही बताऊँ। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को मत सा नया सा फेडेड व्हील भी देखने के लिए मिल जाता है, वो भी बड़े आराम से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर से हम लोग कोई भी दो आइटम्स को ना स्किप आउट कर सकते हैं, ठीक है। बंडल मैंने भी कल बता दिया था कि बंडल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं इस बंडल को अभी के अभी क्लेम करने जा रहा हूँ। 9 डायमंड का स्पिन, देखते हैं क्या मिलता है। ओके बैकपैक मिल जाए, ओ भाई बैकपैक से थोड़ा सा आगे चला गया, कोई बात नहीं गाइस 19 डायमंड का स्पिन मारते हैं। अब देखते हैं हम लोग को क्या मिलेगा। ओके बैकपैक तो नहीं मिलेगा। ओके तो पेट फूड हम लोग को इधर से मिल चुका है, फिर 39 डायमंड का स्पिन मारते हैं हम लोग, देखते हैं अभी हम लोग को क्या मिलता है। ओके क्यूब फ्रैगमेंट्स हम लोग को मिल चुके हैं, मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट्स। अब 69 डायमंड्स का स्पिन, ओ भाई अरे यहाँ बैकपैक नहीं मिला। मतलब बैकपैक को एक स्टेप आगे करके जो भी चीजें है ना वो हम लोग को फ्री मिल रहा है। मेरे ख्याल से बैकपैक ना लास्ट में मिलेगा, उसके लास्ट में जाकर के बंडल मिलेगा, देखते क्या होता है। बैकपैक ओ भाई मतलब एक स्पिन पहले बैकपैक हम लोग को मिल गया। अभी तो मुझे भी पता है, आप लोग को भी पता है क्या इधर से मिलेगा हम लोग को, ये जो क्रेट्स है ना वही क्रेट्स हम लोग को मिल पाएंगे, ठीक है। हाँ पता है पता है। ओके तो इन सब के अलावा देखते हैं गाइस हम लोग को
500 डायमंड का स्पिन मारने के बाद जो बंडल देखने के लिए मिलने वाला है वो बंडल आखिरकार है कैसा, क्या उसके साथ हम लोग कोई भी और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्पिन मार लेते हैं। ओके भाई साहब, कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ चुका है और फाइनली हम लोग को ओरियन के साथ ये वाला बंडल देखने के लिए मिल चुका है। ओरियन मेरा कैरेक्टर ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसका ऐसा एनिमेशन आया। ओके, तो हम लोगों ने इसको क्लेम वगैरह भी कर लिया। वॉल्ट के अंदर चलते हैं गाइस, ठीक है, देखते हैं इस वाले बंडल का कॉम्बिनेशन और किस किस आइटम के साथ हो सकता है, मतलब हेयर स्टाइल कैसा रख सकते हैं हम लोग, मास्क वगैरह कैसा पहना सकते हैं, पैंट वगैरह कैसा पहना सकते हैं इस वाले बंडल के साथ। सबसे पहले बारी आती है हेयर स्टाइल का। मेरे ख्याल से हेयर स्टाइल के लिए ना हम लोग को उतना ज्यादा मगजमानी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल से हेयर स्टाइल भी लगा देंगे ना कुछ इस प्रकार का तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा गाइस। ठीक है, इसके अलावा मास्क की तरफ चलते हैं। मास्क मेरे ख्याल से हम लोग को लगाना चाहिए कोई येलो टाइप का मास्क आता है ना जो राइस्टर वगैरह पहनते हैं, ये नहीं था गाइस, ये भी नहीं था, कौन सा था, सीजन 1 सीजन 2 किसका तो था, मैं ढूंढ के ना फिर आप लोगों को बताता हूँ वीडियो में। ओके गाइस, तो ये वाला मास्क हम लोग को मिल चुका है फाइनली बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद। एशियन स्कार्फ इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना पड़ेगा यार इसका नाम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पैंट भी चूज कर लेते हैं इस वाले बंडल के लिए। आप लोगों को भी बहुत ज्यादा नॉलेज होगा गाइस, ठीक है, आप लोग जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बंडल के साथ साथ फिर ये जो टॉप है इसके साथ साथ और कौन कौन सा आइटम मैच करेगा। देखते हैं जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा ना वो वाला हम लोग ट्राई करेंगे, और अगर अच्छा लगा तो उसको गेम में परमानेंट कस्ट्यूम बना के भी हम लोग गेम प्ले करने वाले हैं। पैंट के लिए मेरे को सबसे ज्यादा जो अच्छा लग रहा है वो है अपना एंजेलिक पैंट, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लू एंजेलिक पैंट भी बोलते हैं, ये वाला मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ओके, पैंट का भी यहाँ पे क्वेस्ट खत्म हो जाता है। जूते पहना लेते हैं इसको और फाइनली आपको दिखाता हूँ इसका अल्टीमेट लुक, जो कि हम लोग कुछ इस प्रकार का नजर आ जाता है वो भी बड़े आराम से। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, आप लोगों को अच्छे से बंडल पूरा दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चल के अच्छे से बंडल दिखा देता हूँ। बाकी कमेंट करके जरूर बताना ये वाला बंडल आप लोगों को कैसा लगा, ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लगा, और क्या आप लोग इस बंडल को फेरे हुए के अंदर से निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे, क्योंकि डायमंड कितना खर्चा होगा ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, दिखाई दिया मेरा कितना खर्चा हुआ, उतना एग्जैक्टली आप लोगों का भी होगा या फिर हो सकता है आप लोगों का अगर लक अच्छा काम कर जाए तो मेरे से पहले भी आप लोगों को बंडल वगैरह मिल सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग इसको निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मतलब आप सभी से किसी ने कोई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलते अपने सारे एनिमीज को मारते रहो।